हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पिछले साल 12 जुलाई को आई भयंकर बाढ़ और बोह घाटी में हुए भूस्खलन के प्रभावितों के जख्मों पर एक साल बाद भी सरकार मरहम नहीं लगा सकी। वादे तो बहुत किए पर पूरे नहीं किए। पुनर्वास के नाम पर घोषणाएं जमीन पर रही पर उतर नहीं सकी। प्रभावित लोग आज भी वह खौफनाक मंजर याद कर सहम जाते हैं। 12 जुलाई 2021 को जिला कांगड़ा में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान उपमंडल धर्मशाला में कई घर पानी में बह गए थे। वहीं कई पुल, सड़कें और पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। मांझी खट किनारे चैतडू में दो दुकानों सहित चार परिवारों के आशियाने पानी के तेज बहाव में बह गए थे। इसके अलावा उपमंडल शाहपुर के तहत आते बहु क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा आने के कारण 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं दर्जनों लोग घायल हुए थे। हैरानी इस बात की है कि इनमें से अधिकतर प्रभावित आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के आखिरी कोने पर बसे चैतडू में प्रलयकारी बाढ़ में चार मकान और दो दुकानें बह गई थी। आज वहां एक शेड में दुकान चल रही है। एक क्षतिग्रस्त मकान को कंक्रीट की दीवारें लगाई गई हैं, जबकि मांझी खड्ड के किनारे कंक्रीट की दीवार लगाकर सड़क मार्ग को सुरक्षित किया गया है, लेकिन प्रभावित आज भी बेघर है। पंचायत डगवार के कार्यालय के साथ जाने वाले रास्ते पर मनहेड़ का पुल आता है, जो बीते साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था। इसका एक पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर पुल के साथ लगता शमशान घाट भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। मौके पर देखा तो पाया कि पुल का एक पिलर अभी भी उसी स्थिति में है, जबकि शमशान घाट के रास्ते पर कंक्रीट की दीवार का कार्य चल रहा है, लेकिन अब बरसात के कारण वह ठप पड़ा हुआ है। पंचायत पासो पंथेड़ के वार्ड नंबर 5 में जीप योग पुल शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाया। पुल के बाढ़ में बहे पिलर लोगों को मायूस कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक साल बाद भी 10 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था भी अब मांझी खड्ड में पानी बढ़ने के साथ बह गई है। इसी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के तहत मांझी खड्ड पर बने पैदल पुल का एक पिलर और साथ लगती बावड़ी पानी की भेंट चढ़ी थी। इस दौरान स्थानीय विधायक के प्रयासों के बाद पुल के पिलर का कार्य तो हुआ, लेकिन इस पर स्लैब नहीं डल सका। बरसात आते देख ग्रामीणों ने अधूरी पड़े पिलरों पर बांस का पुल खड़ा कर दिया, ताकि वे उफनती खड्ड को पार कर सकें। इस पंचायत के वार्ड नंबर 3 में धर्मशाला चैतडू वाया पासू सड़क मांझी खड्ड की बाढ़ का शिकार हुई थी। एक साल बाद भी यह सड़क नहीं बनी, जबकि सड़क के साथ बहती कूहल का कोई नामो निशान ही नहीं है। सड़क को बनाने के प्रयास तो किए गए, लेकिन यह धीमे स्तर पर चले हुए हैं। कूहल न होने के कारण किसानों को बारिश के पानी से धान की रोपाई करनी पड़ रही है। इसी पंचायत में प्राइमरी स्कूल को तो बना दिया गया, लेकिन स्कूल पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। क्षतिग्रस्त स्कूल को बनाकर वहां पर कक्षाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन मांझी खड्ड के बहाव को रोकने के लिए पत्थरों की ही दीवार बनाई गई है, जो कभी भी पानी के तेज बहाव से बह सकती है। धर्मशाला गगल वाया शीला सड़क मार्ग पर भटेहड़ के पास एक वाटर टैंक पिछले एक साल से खड्ड के किनारे औंधा मुंह पड़ा हुआ है। इस वाटर टैंक को ना तो दुरुस्त किया गया और ना ही इसके स्थान पर नया टैंक बनवाया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। धर्मशाला गगल वाया शीला सड़क मार्ग भी 12 जुलाई को काफी प्रभावित हुआ था, जिसे मात्र 15 दिन में ही दुरुस्त कर दिया गया था। मांझी खड्ड के किनारे क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर कंक्रीट की दीवार बनाई गई, जो सड़क को सुरक्षा प्रदान कर रही है। 12 जुलाई की प्रलयकारी बाढ़ के कारण पंचायत शीला बुटेहड़ को काफी नुकसान हुआ था। पंचायत की सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई कार्य लटके हुए हैं। त्रासदी के एक साल में सरकार और जिला प्रशासन ने कई कार्य करवाए हैं। इसमें क्षतिग्रस्त स्कूल का कायाकल्प किया गया, सड़क किनारे कंक्रीट की दीवार लगाना आदि शामिल है, लेकिन अभी तक पासू का जीप योग पुल शिलान्यास के आगे नहीं बढ़ पाया। पोकलेन लगाकर विधानसभा क्षेत्र की कई कोहलों को ठीक कराया गया। त्रासदी के एक साल बाद भी मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पाई। आज भी कई गांव मुख्य सड़क मार्ग से कटे हुए हैं। सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। स्कूल को आज भी खतरा बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जो प्रलयकार बाढ़ आई थी एक साल पहले और अब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सका, वो कार्य अभी तक रुके हुए हैं, तो अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस ओर कब तक अपना ध्यान देगी और इन चीजों को ग्रामीणों के लिए सुविधा मुहैया कराएगी।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।